खबर आगरा के अति संवेदनशील क्षेत्र मंडूला से है। आपको बता दें, राम जन्म भूमि व बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला विगत दिनों में आने वाला है, जिसके मद्देनजर आगरा पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है। जिले के सभी थाना प्रभारी, निरीक्षक व सब इंस्पेक्टर अपने अपने हलकों में गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला जाकर अयोध्या राम जन्म मंदिर और बाबरी मस्जिद के फैसला आने वाले वक्त पर सतर्कता बरतने के प्रत्येक जिलेवासी को जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज आगरा आईजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्रीय अधिकारियों सहित थाना मंडूला क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। आपको बता दें, आगरा में जगह जगह पुलिस के द्वारा शांति समिति का गठन किया जा रहा है। बैठक कर लोगों में सौधे कायम करने की अपील की जा रही है। फैसला चाहे जो भी आए, उसको सभी लोगों को खुशी से स्वीकार करने की अपील की जा रही है। इसी के तहत आज मंडूला क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया, साथ ही सभी लोगों को जागरूक किया गया। बताया गया कि कोई भी आपत्तिजनक बातें, फोटो, वीडियो, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पर पोस्ट ना करें, जिससे कि आपसी सौदे बिगड़ जाए। अगर कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सौदे बिगाड़ने वाले वीडियो, फोटो या बातें लिखता या शेयर पोस्ट करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक ने जनपद के प्रत्येक थानों व कोतवालियों में तैनात सिपाहियों और प्रभारी निरीक्षकों के साथ सब इंस्पेक्टरों को भी दंगा निरोधी ट्रेनिंग व किसी भी विकट परिस्थिति में उससे निपटने के लिए मुस्तैद व तैनात रहने के निर्देश जारी किए हैं। आगरा से इंडिया समाचार के लिए मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। मंडला फ्लैग मार्च किया गया, इसमें आज आईजी महोदय के द्वारा और हम सभी पुलिस अधिकारियों के द्वारा मंडला क्षेत्र में जो है फ्लैग मार्च किया गया, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में जो है जानकारी की गई है। साथ ही साथ जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उन सभी से बीच बीच में वार्ता की गई है और ये अपील की गई है कि हम सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद अकबर कुरैशी, समाज सेवी और समाजवादी पार्टी से हूँ। आज क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया, आप शहर की जनता को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज मंडूला क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया, ये बहुत ही अच्छा काम है। और उसके बाद अभी हम सभी मुसलमान भाई अलग अलग क्षेत्रों में, मुसलमानों के क्षेत्रों में जाकर, अभी मैं लोहा मंडी से आया हूँ और वहाँ शांति व्यवस्था की मीटिंग चल रही है। और हमारा सबसे बड़ा काम यह है कि आगरा शहर में और हमारे प्रदेश और देश के अंदर शांति व्यवस्था रहे। जो भी 17 तारीख को फैसला आना है हमारे सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट का, उसको हिंदू भाई और मुसलमान भाई और हिंदू भाई दोनों ही बड़े शांति के साथ, और बड़े हिंदू भाई भी हमारे भाई हैं और मुसलमान भाई भी हमारे भाई हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी फैसला आए बड़े ही प्यार और मोहब्बत से इसको एक्सेप्ट किया जाए।